प्याज और लहसुन का त्याग कर दें। तो इसमें दोष का है, हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है वैसे। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर लोग, अब तुम माइक पकड़े रहियो भावनाई में। प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खाके मोह बसात, अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है।